लेकिन उनकी उनके ऊपर जो मुकदमा चला उसमें उन्होंने जो एक बयान दिया, अपना फाइनल बयान जो था उनका, वो अभी कुछ साल पहले ही पब्लिक हुआ है, वो पब्लिक डोमेन में भी है, ऑडियो के रूप में भी है और किताब के रूप में। तो वो जो 50 मिनट का जो भाषण है वो मेरे लिए एक मेजर रेफरेंस मटेरियल रहा है, क्योंकि उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो समझ में आती है उसमें। गोडसे को फॉलो करने जैसा तो मतलब उनके बारे में उतना पता ही नहीं कि उनको फॉलो किया जाए, और जहां तक गांधी जी की बात है तो देखिए हमारे देश में कई ऐसे महान लोग हुए हैं जिनके जिनके जो तत्व है जो उन्होंने सिखाया है उसमें से अगर 5% भी हम फॉलो कर पाए तो आज हम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। देखिए वो एक व्यक्ति का मत, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जितने भी ऐतिहासिक लोग जितने भी ऐतिहासिक पात्र हैं किरदार हैं, या तो हम उनको भगवान बनाते हैं या हम उन्हें शैतान बनाते हैं। ये फिल्म का हेतु ये है कि इन लोगों को इंसान के तौर पर, जब एक इंसान होता है तो वो 5 बातें सही करता है और 5 बातें गलत भी करता है। नथुराम गोडसे का जहां तक सवाल है, मैं ये नहीं मानता कि वो टेररिस्ट था, जिस तरह से जिस टर्म से आज हम उसको समझते हैं टेररिस्ट टर्म, मैं ये कहूंगा कि एक बहुत ही डिसिल्यूजेंट और एंग्री यूथ था। उसने जो एक्शन की वो गलत, वो मैं कभी भी अपने जीवन में एंडोर्स नहीं कर सकता उसको। लेकिन आज मेरे लिए यही सीख है आज 2023 में कि अगर मेरे मन में गुस्सा है या मेरे मन में किसी के किसी बड़े व्यक्ति के प्रति या सिस्टम के प्रति एंगर है तो उसका निदान बंदूक लेकर गोली चलाना, क्योंकि गोडसे ने बंदूक लेकर गोली चलाई उससे कुछ नहीं बदला, उसे हुआ कुछ नहीं, मतलब ही व्हाटएवर ही वांटेड टू अचीव दैट वाज नॉट अचीव एवर। हो सकता है कि इस बात का एहसास उन्हें भी हुआ हो जब उन्हें सजा हुई या जब उन्हें पकड़ा गया, तो बंदूक चलाना, किसी की हत्या करना, ये किसी भी चीज का निदान नहीं हो सकता। एंड एट द सेम टाइम आई ऑल्सो अग्री दैट व्हाटएवर ही डिड वॉज द उस समय का जो परिवेश था, जो बहुत टर्बुलेंट माहौल था पूरे देश में, उसका एक प्रातिनिधिक स्वरूप तो उस आदमी ने उस वक्त किया। देश का विभाजन एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन इस विभाजन के लिए किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहराना बहुत गलत है। मैं आपको एक किताब बताता हूँ, पाकिस्तान गैरिसन स्टेट नाम की किताब है, डॉक्टर इश्तियाक अहमद नाम के एक पाकिस्तानी स्कॉलर ने, उस किताब को अभी आप पढ़िए कभी तो आपको समझ में आएगा कि मूल रूप में देश का विभाजन हुआ है। हिस्ट्री इज नॉट अ वन लाइन स्टोरी कि मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि ये सही था या गलत। हिस्ट्री को पढ़ने और समझने के लिए आपको बहुत सारे एंगल समझने, तो ये जो एक नैरेटिव बन चुका है ना कि इन्होंने देश का विभाजन किया, इन्होंने ऐसा नहीं होता था। इस फिल्म में ऐसी कोई बात नहीं कि कोई आके किसी को हार्म करेगा, मतलब आई डोंट थिंक सो, और मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी फिल्म की वजह से किसी एक्टर को इस तरह से हार्म किया गया, द वे यू मीन इट, बिकॉज इट्स अ फिल्म फाइनली एंड इट्स अ वेरी आई वुड से बहुत ही सुलझी हुई फिल्म, क्योंकि ये फिल्म किसी कॉन्ट्रोवर्सी के हेतु से बनाई हुई फिल्म, ऐसा नहीं है कि हम कंट्रोवर्सी करने के लिए फिल्म बना रहे, और मुझे लगता है कि हम फिल्म के बारे में बात करनी चाहिए, कंट्रोवर्सी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए जो अभी हुई भी नहीं। अभिनेता के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि उसे जो ये 3 रोल ऑफर हो वो तीनों इतने इतने अलग कि आपको अलग अलग करने को मिले, यही तो एक एक्टर चाहता है। मतलब आपको अगर उसी तरह का रोल दोबारा करने को कहा जाएगा तब तकलीफ होगी, तब प्रॉब्लम होगी।